गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल हसन ब्लॉग। तो आज हमारे घर है मिलाद, उस सिलसिले में हमारी तैयारियां वगैरह चल रही हैं। हम जा रहे हैं क्या कहते हैं सामान वगैरह लेने, प्लेटें वगैरह, जग वगैरह, गिलास वगैरह, इस तरह की चीज़ें, ताकि जो अपनी सारे मिलाद वगैरह की अशिया वगैरह उनको पूरा किया जाए, तमाम किया जाए। तो हम पहुँचने वाले हैं टेंट वाली जगह पर, तो फिर मिलते हैं। तो हमने पैक घर के साथ ही हमारा ये टेंट है, वहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। कुछ सामान हम लेके जा सके हैं, अब दोबारा आए हुए हैं दूसरा सामान लेने के लिए। ये दरिया वगैरह, ये प्लेटें वगैरह, तो ये भी लेके चलते हैं घर, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर तक। फोन ओवर बधाउन वास्ते टेंट वगैरह का सामान लेके आ गया है। उसके अलावा हम लोगों ने आज खाने हैं गोश्त और चावल, देख बनाने उसकी दो। तो अब गोश्त वगैरह का भी ऑर्डर देखा है, गोश्त वगैरह उसमें हमें कहा 2:30 बजे मिलेगा। फिर उसके बाद अब थोड़ा फ्री हो गया, फिर रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाकी जो काम होता है वो करते हैं, फिर उसके बाद नमाज जुम्मा के बाद मिलाद है हमारे घर में, उसको अटेंड करते हैं। तो घर वालों के लिए सामान वगैरह पूरा करने के बाद आज हम आए हैं दिन के टाइम अमीराबाद पार्क। वैसे तो आप लोगों ने हमें देखा होगा कि हम लोग आते हैं रात के टाइम, यहाँ पर वॉक वगैरह करते हैं, यहाँ पर राउंड लगाते हैं, यहाँ पर हल्ला गुल्ला करते हैं। आज ये छोटा काका, ये मेरा बड़ा भाई है, उसका बेटा है, ये रो रहा था के घर में नहीं बैठना, तो इसको हम घुमाने ले गए हैं। अली 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 चाचा बुला रहा है, इधर देख, बच्चा शर्मा रहा है, देख नहीं रहा। तो अब हम ये देखो सुबह के टाइम कितने ज़बरदस्त किस्म का व्यू नज़र आता है। हम लोग यहाँ पर अभी अभी मेरे साथ है, अभी इधर ये देखो, अभी अभी कह रहे थे मुझे भी साथ ले चलो, तो इसको भी मैं साथ ले गया। तो अब हम ज़रा यहाँ पर राउंड करते हैं, वॉक करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, बच्चे को खिला के, इसको खिला के, अभी को, फिर उसके बाद वापसी घर रवाना होंगे, वहाँ पे काम वगैरह करेंगे। जो बाकी हमारे हिस्से के बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो फिर आप कोई मसला नहीं। मैं आपको व्यू दिखा दूँ दिन के टाइम का, हेलो का अली बोलता है, कुछ बोलता है शर्मा रहा बेचारा। छोटे अली को ये चलना सिखा रही है, हालांकि अभी यह खुद को सही तरह चल नहीं सकती। वो देख उसको गिरता है, दोबारा दोबारा, वंस मोर, आराम थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, उसके रोने से पहले बस कर दी ये ना। फिर इधर लिया अली, हाँ क्या करें दब दें, खिल दी। ओ मैं रेडी हो गया हूँ, तैयार हो चुका हूँ, हमारे घर है आज मिलाद। मानों का आने का सिलसिला जारी है। मेरे भाई अर्शद ड्यूटी पर गए हुए थे, अब वो आए हैं, वो अब काम करवा रहे हैं। ये देखो ये देख वगैरह इन्होंने बनवानी है। ये भाई हर काम में फर्स्ट आते हैं। कल इन्होंने पाकिस्तान हारने की खुशी में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन किया है, अब ये देख बना रहे हैं। बाबर आजम लानत यार, ये बाकी सारे मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, ये रखा भाई बैठे हुए हैं, ये अभी इसको सदमा है पाकिस्तान की हार का, कोई मसला नहीं, पाकिस्तान जीत जाएगा। निगरानी करो बेटा, निगरानी करो। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग दो देगे बनवा रहे हैं, इसके अंदर घी वगैरह डाल दिया, ये दो देगे तैयार हो रही हैं, बाकी उसका सारा सामान वगैरह, ये सब्जियां वगैरह सारा कुछ ये मैनेज हो रहा है यहाँ पे। लोगों मिलाद वगैरह स्टार्ट है हमारे घर, जो लेडीज़ हैं वो नीचे बैठी हैं, हम जो मर्द लोग हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ तो घर के भाई और किसके ऊपर बैठेंगे, घर की जो छत है हमारे वहाँ पर बैठे हैं सब लोग। ये असल में आज देखो कितने लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, ये पाकिस्तान के हार के खुशी में इतने प्यारे लग रहे हैं, सारा नूर उसी का और रखा भाई भी बैठे हैं। आप क्या कहना चाहते हो, आज के दिन में हमारे घर मिलाद है, आप क्या कहना चाहते हो? ये चावल का है, क्या करेगा, चलो हमारे पास कुछ खाना बाहर नहीं, धूप लग रही है, हम कह रहे हैं चावल ताकि हम टेस्ट कर रहे हैं। अभी एक बनने का सिलसिला जारी है। ये मेहनती लोग ये काम में बिजी मसरूफ हैं, मुँह तो हटाव है।
जबरदस्त खाना बनेंगे। तू खाना कैसा सारा फेवरेट चोड़ो है जबरदस्त खाना बनेंगे। स्टीक नाइट का थोड़ा प्यारा है। चलो ठीक, अब हम सारे मसरूफ़ है अपने कामों में। ये सारी अब हम देख रही है देख बनता हुआ। ये अरशद भाई उधर बैठे हैं, रखा भाई पर कौन सी सोच में घूमें। काफ़ी देर से भाई लोग हम बैठे थे, अपने जो सारे कज़न वगैरह आए हैं, हमारा सिर्फ एक आधा कज़न है, एक और भी आना बाकी, आसिफ भी नहीं आया अभी तक। और शौकत है, शौकत भाई जब से हमारे पास से होके गए हैं लास्ट टाइम से बीमार पड़ रहे हैं, बिस्तरे पे बिस्तर हो गए हैं बिल्कुल ही। आप बेचारे किसी ना किसी तरह उठ उठ कर आए हैं। ये पहुँच गया हमारे पास शौकत भाई। इसकी थोड़ी तबीयत काफ़ी अरसे से ख़राब रही है, अब ये बेहतर हुआ है, लेकिन इसकी आंखें फिर भी सही तरह से नहीं खुल रही। तो आप क्या कहते हैं, हमारे कज़न तकरीबन आ चुके हैं, मिलाद वगैरह नीचे लेडीज़ वगैरह सुन रही हैं। हम ये सारे इसलिए बैठे हैं, ये सारे बैठे हैं कि जिस तरह देग वाले चावल बने, देग का ढक्कन खुले और हम चावल खाएँ और फिर उसके बाद अपनी भूख मिले। फिलहाल की यही अपडेट मिलते थोड़ी देर। वो बहुत सारे कज़न आ चुके हैं हमारे, कितने नए फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। लियाकत भाई, रशीद साहब, शौकत को छोड़ दो, बाकी ये सारे न्यू फेसेस। ये मैं सारे मेरे व्लॉग का हिस्सा बनना चाहते थे, इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। अब ये सिर्फ वेट कर रहे हैं चावल खुले और हम खाएं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खुल गई रोटी, खुल गई भाई रोटी, खुल गई। हम लोगों के घर था मिलाद, मिलाद का फंक्शन हमारा अच्छा गुजर गया, सही तरह से मिलाद हो गया, सब ने क्या कहते हैं मिलाद वगैरह सुन लिया, उस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे ये बात की बात है। अब मेरी सिस्टर की जो वेडिंग एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेशन का टाइम हो चुका है, वो सेलिब्रेट करते हैं फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, मुबारक हो आप लोगों को, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपका बच्चा भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। देखो भैया छोड़ो। चलो के अपनी सालगिरह का ट्रेन होसी जवान, शाबाश, रुको रुको रुको, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, एनिवर्सरी टू यू, अजान की हैप्पी एनिवर्सरी। भाई लोगों, पहले जुम्मे के दिन वैसे बंदा थक जाता है, सारे मेहमानों की आना जाना लग रहा था हमारे घर, और वैसे आज हमारे घर मिला था, उस वजह से और ज़्यादा थकावट हो गया। फिर उसके बाद सिस्टर की वेडिंग एनिवर्सरी थी, वो सेलिब्रेट किया है, सारे मेहमान सबको क्या कहते हैं सबके साथ हेलो हाय करके, सलाम दुआ करके, उनके साथ गपशप करके, खाना खिला के पिला के, सब कुछ उनकी खातिर में दर्द करके अब फ्री हुए हैं। रात के तकरीबन 11:30 का टाइम होने वाला है। तो आप क्या कहते हैं, मेरा व्लॉग आज यहीं पे एंड होता है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।